बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी और इसकी जो मेजर ब्रांचेस हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डिफाइनिंग बायोलॉजी वी शैल डिस्कस ऑन साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस दैट इज़ द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से हम हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज साइंस। शुरू में साइंस का नॉलेज जो था वो बहुत लिमिटेड था, तो इस सारे नॉलेज को अंडर द सेम हेड साइंस हम डिस्कस करते थे। एज द नॉलेज इंक्रीज्ड, इट वाज इम्पॉसिबल कि सारे का सारा नॉलेज इस एक साइंस के अंडर इसको डिस्कस किया जाए। तो फिर हम साइंस को आगे डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके डिफरेंट डिसिप्लिन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ साइंसेस, उसके बाद फिजिकल साइंसेस, देन सोशल साइंसेस। तो लाइफ साइंसेस क्या है? बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को डिफाइन ऐसे करते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। एक्चुअली बायोलॉजी is derived from two words, bios and logos. Bios means life and logos mean reasoning or discussion. इन दोनों को कंबाइन करके हम बायोलॉजी वर्ड ड्राइव करते हैं और बायोलॉजी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन हमें क्या पता कि लाइफ क्या चीज़ है? लाइफ को डिफाइन करना खासा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे ले लेते हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज करैक्टरिस्टिक्स इंक्लूड रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। इसी तरीके से और भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करते हैं। यानी ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये लिविंग में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते। अब ये जो बायोलॉजी है, शुरू में इसका नॉलेज भी लिमिटेड था, अब इसका नॉलेज बहुत बढ़ गया। देन बायोलॉजी इसको भी डिवाइड करना जो है वो ज़रूरी हो गया। तो फिर बायोलॉजी के थ्री मेजर डिवीजन्स बना दिए गए। कौन कौन से डिवीजन है? नंबर वन, जूलॉजी।
नंबर टू बॉटनी, नंबर थ्री माइक्रो बायोलॉजी, दीज आर द थ्री मेजर डिवीजन्स बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब जो जूलॉजी है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? अभी आप चिड़ियाघर गए यानी जू, जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं जूलॉजी। बेसिकली दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, जू एंड लॉगोस, दैट मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज नोन एज जूलॉजी। एनिमल की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से हम अगर प्लांट्स की स्टडी को करें दैट विल बी कॉल्ड एज बॉटनी। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट इज नोन एज बॉटनी। यहाँ पर हम सारे जानवरों को स्टडी करते हैं, यहाँ पर सारे पौधों को स्टडी करते हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को और बायो लिविंग थिंग्स, तो कितनी स्मॉल? इतनी स्मॉल कि हम उसको आँख से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम फिर डिफाइन ऐसे करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ आपने नाम प्रीवियस क्लासेस में सुने होंगे, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है और वायरसेस हैं, ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी और इसके मेजर डिसिप्लिन्स के बारे में, मेजर डिवीजन्स के बारे में पढ़ा। तो साइंस जो है वो पूरे का पूरा जो नॉलेज है नेचर का, उसको अंडर द हेड साइंस हम स्टडी करते हैं। और जैसे जैसे नॉलेज साइंस का बढ़ता गया, वैसे साइंस को हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया, जैसे लाइफ साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है। फिर लाइफ साइंसेज को हमने अलहदा कर लिया, जिसमें जिसको हमने बायोलॉजी का नाम दिया, और बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स बायोस और लॉगोस। बायोस मीन लाइफ, लॉगोस मीन थाट, रीजनिंग और डिस्कशन। और लाइफ किसको कहते हैं? लाइफ जो है वो ऐसी खसूसियात का मजमू है जो जानदारों को बेजान से डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए हैं, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये प्रीवियस क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं। अब ये जो बायोलॉजी का नॉलेज था ये बहुत ज़्यादा था, इसको फिर हमने तीन मेजर डिवीजन्स में बायोलॉजी को डिवाइड कर लिया, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अभी यहाँ पे बस नहीं है, अभी और भी बहुत सा नॉलेज बढ़ता गया। अब फिर जूलॉजी को, बॉटनी को, माइक्रोबायोलॉजी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं वो बना दी गई, तो उन ब्रांचेस को हम कल स्टडी करेंगे। तो ये बायोलॉजी और इसके मेजर डिसिप्लिन्स, ये आप रिवाइज करेंगे।